सबसे पहले मदीहा आपका रुख करेंगे, सेक्टर 142 में आप खड़ी हैं इस वक्त, बारिश के बाद कैसे हालात वहां पर पैदा हो गए हैं? मदीहा आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, लौटते हैं आपके पास, मेघा के पास जाऊंगी मैं। मेघा, गाजियाबाद में भी क्या इस वक्त भी बारिश हो रही है और वहां पर सड़कों के क्या हालात है, बताएं। जी हाँ बिल्कुल, गाजियाबाद में इस वक्त भी बारिश हो रही है, हालांकि सुबह के मुकाबले बारिश कम हुई है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ, तो आप देखिए, मैं इससे पहले भी लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ, वो रोड की दूसरी तरफ। ये सड़क का वो इलाका है जो इस वक्त पूरा का पूरा तालाब में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक सड़क और सड़क के दूसरी तरफ है खेत, लेकिन खेत और सड़क में इस वक्त बिल्कुल भी फर्क पता नहीं लग पा रहा है। आप ज़रा तस्वीरें देखिए तो हर तरफ केवल पानी ही पानी है। सामने आपको नजर आएगा ये सड़क आगे गांव की तरफ जाता है, लेकिन इस वक्त इस पूरे गांव को खाली कर दिया गया है, खाली करवा दिया गया है, यहां पर कोई भी नहीं है। प्रशासन लगातार चौकन्नी है और यहां जो इक्का दुक्का लोग शुरुआत में रह भी रहे हैं, उनको बिजली पानी खाने की समस्या जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, तो आप अगर मुझे देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पानी का स्तर कितना ज़्यादा है, तकरीबन मेरे घुटनों तक पानी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरा एक कदम जल स्तर को इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहा है कि आप एक बार देखिए थोड़ा आगे क्या पानी का स्तर था और अभी मेरे घुटनों तक पहुँच गया है। और हर तरफ, ये केवल इस इलाके के नहीं बल्कि इस पूरे गाजियाबाद में पूरा गांव जो है, पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन मोहित कासले आपको दूसरी तरफ की एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, तो आप देखिए यहाँ जहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई सामने, इसके बाद कहीं भी जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी हमने बिल्कुल पीक पॉइंट पर लगा रखी है। हर तरफ पानी है। जो सामने आपको घर नजर आ रहा है, दो फ्लोर का ये मकान है, ये पूरा मकान खाली करवा दिया गया है, बिल्कुल घर के पूरा आगे पानी भरा हुआ, और आपको पूरे चंद घंटों की बारिश और उसके बाद क्या हालात पैदा हो गए हैं गाजियाबाद में, तस्वीरें आप दिखा रही हैं, जगह जगह सिर्फ इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।